स्कूल के समय में जब मैं कभी स्कूल नहीं जाया करता था तो टीचर के पूछने पर कि भाई पिछले 2 दिन से तुम स्कूल को नहीं आए, मैं बड़े ही विनम्रता से, बड़े ही भावुक होकर के अपना चेहरे को नीचे लटका करके जवाब देता था कि मेरे दादाजी का देहांत हो गया। जबकि मेरे दादाजी का देहांत उस समय एक बार हुआ था और मैंने अपनी स्कूल लाइफ में उनका कम से कम 10 बार देहांत किया। लेकिन जब उसके कुछ समय बाद मेरे पिताजी का देहांत हुआ और लोगों के पूछने पर कि भाई क्या हुआ, इतना मायूस क्यों है, इतना अपसेट क्यों है, तो मेरे मुंह से एक बार ये शब्द भी नहीं निकला कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया है। क्योंकि जब बात मेरे पिताजी पर आई तो मेरे मुँह से एक शब्द नहीं निकला, लेकिन जब बात उनके पिताजी की थी तो मैंने उनको स्कूल समय पे 10 बार उनका देहांत किया। तो ठीक ऐसे ही जब हमारे घर का बेजुबान घायल हो जाता है, बीमार हो जाता है और वो ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ता है, तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं अपने रिश्तेदारों में, दोस्त यारों में, आस पड़ोस में, किसी भी तरीके से कहीं से भी हमें उसके लिए हेल्प मिल जाए, उसका इलाज हो जाए, ताकि हम उसकी ज़िंदगी को बचा सकें। पर वहीं दूसरी तरफ जब रोड साइड एनिमल का एक्सीडेंट हो जाता है, वो बीमार हो जाता है, तो हम वहाँ पर उसका हालचाल जानना तो दूर, हम वहाँ पर रुकना तक ज़रूरी नहीं समझते। क्योंकि जब बात खुद के बाप पर आई तब समझ में आई, तो ठीक ऐसे ही जब बात खुद के बेजुबान पर आए तभी समझ में आए।